सलमान की हीरोइन पर छाई मुसीबत, शौक की लगी ये कैसी आदत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। देखिए ना, ख्वाहिश और सपने किसके नहीं होते। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम और आप इस चाहत में पुलिस के रास्ते खोल दे कि आइए और आप हम पर कानून की हथकड़ी ही लटका दे। और जनाब, अगर आपका अभी से कोई इरादा है तो बदल डालिए, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। विश्वास नहीं होता तो अपनी जैकलिन मैडम को ही देख लीजिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को ऐसे शौक की लत लग गई कि उनके राजकुमार ने उन्हें 52 लाख का घोड़ा, 9 लाख की पर्शियन बिल्ली, यही नहीं महाराज ने उन्हें ज्वेलरी, क्रॉकरी समेत 10 करोड़ के गिफ्ट्स दे डाले। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब आप कहेंगे कि वाह, जैकलिन की तो निकल पड़ी। तो जरा सुनिए, ये गिफ्ट्स नहीं, आज सलमान की मोस्ट फेवरेट हीरोइन में शुमार जैकलिन फर्नांडिस की लंका लगा दी है। हंसिए मत, बेचारी को बहुत बुरा लगेगा। अब लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, इतने महंगे गिफ्ट्स भला लेने की जरूरत ही क्या थी। अब इनके राजकुमार की बात करें तो ये वही महाराज हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे। साथ में जो उनके साथ सुंदर महिला है वो आपकी ही एक्ट्रेस है। हम जानते हैं कि यहाँ कुछ लड़कों के दिल टूट चुके होंगे, पर माफ कीजिएगा जनाब, अब हम भी करें तो क्या करें, यही सच है। बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस के कथित बॉयफ्रेंड सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल के कैदी हैं, जो 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी पाए गए हैं। जी हाँ, देश का ये ठग बॉलीवुड नगरी की उस अभिनेत्री के गहरे और करीबी दोस्त हैं जिन्हें दबंग सलमान खान ने फिल्मों में खूब मदद की है। अभिनेत्री की लोकप्रियता और करियर दोनों को बनाने में सलमान खान का एक बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अब देखिए ना, एक ठग ने ही अभिनेत्री को अपनी ओर ऐसा खींचा कि अभिनेत्री पर बिना किसी काम के धन की वर्षा होने लग गई। कम से कम परिवर्तन निर्देशालय का इशारा यही कहता है। लेकिन अब यहाँ मुसीबत उनके गले और पड़ने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर लिया गया है। यहाँ ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर लिया है। अब गिफ्ट्स लिए हैं तो मैडम को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब जैकलिन फर्नांडिस के गिफ्ट्स लेने के दिन जा चुके हैं, चूंकि मुसीबत उनके गले पड़ चुकी है। हाल ही में बीते रविवार को वो दुबई जा रही थी, जहां उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उन्हें थोड़ी पूछताछ के बाद ये बताकर जाने दिया गया कि उन्हें दिल्ली में जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। जैकलिन को पेश होने के लिए ताजा समन जारी करेगा। फिलहाल देखते हैं फिल्मों में मदद करने वाले दबंग खान अब इस मुसीबत से जैकलिन फर्नांडिस का साथ देंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।